इंस्पेक्टर ताकमिंसु के कब्र वाली जगह पर चैंगी सुयोल का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सुयोल के वहाँ आने से पहले धूर्तिया वहाँ पहुँच जाता है। वो चैंगी से सबूत मांगता है, चैंगी वहाँ से भाग जाता है और धूर्तिया भी उसके पीछे लग जाता है। तभी सुयोल भी वहाँ दौड़ कर पहुँचता है, पर चैंगी तो यहाँ है ही नहीं। वो खिड़की से देखता है तो ये दोनों भाग रहे होते हैं। फिर क्या था, वो भी भागता है। चैंगी को रोकने के लिए धूर्तिया हवा में गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर चैंगी रुक जाता है। धूर्तिया उस पर बंदूक तान देता है। चैंगी धूर्तिया को वो सबूत देकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। अब धूर्तिया का गुस्सा सातवें आसमान पर। चैंगी उसके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज बस एक बार माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। धूर्तिया बोलता है, एक समय था जब मैं लोगों को माफ कर दिया करता था, पर अब नहीं, और उसे मारने लगता है। तभी सुयोल आकर उसे रोक देता है। धूर्तिया बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अकेले पकड़ लोगे? सुयोल बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला आया हूँ?